समाज की शिक्षा क्या हो और शिक्षा पर चिंतन करने वाले लोगों की स्थिति क्या है, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कोट करता हूँ। जैसे एक शिक्षाविद आपको कहीं मिल जाए तो आपसे ये प्रश्न जरूर करेगा कि और कैसे चल रहा है और बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने उनसे काउंटर में एक प्रश्न पूछ लिया कि हम तो सभी कुछ करना चाहते हैं, आप हमें एक प्लेटफॉर्म तो दीजिए, एक मौका तो दीजिए, इसके बाद आप उनसे जो उत्तर सुनेंगे वो चौंकाने वाला होता है। जैसे वो कहते हैं, अरे भाई आप लोगों ने तो इतना कुछ किया है, आप चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। अरे वाह, निश्चित ही हम बदल सकते हैं, लेकिन यदि हम बदलना चाहें तो बदलने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है, न कि आपके उपदेशों की। कैसे बदलेगा समाज, कौन बदलेगा समाज, कौन बनकर आएगा एक कैटलिक एजेंट, वो मात्र एक शिक्षक है जो 100% छात्रों के बीच में रहता है। कहीं पर बैठ के बोलने से आप इस बड़ी चुनौती को, इस बड़े बेढंगे सवाल का उत्तर नहीं दे सकते। इसका उत्तर मात्र एक शिक्षक के पास है। यदि वो चाहता है कुछ करना तो आप उसको समर्थन दीजिए, आप उसका साथ दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप वो कोई नहीं है जो उससे ये प्रश्न पूछे कि कैसे बदलेगी तस्वीर और कैसे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्र के निर्माण में उसे आपका समर्थन चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप यदि एक बार उसकी पीठ में हाथ रख के उसे प्रोत्साहित करेंगे तो वह आउट ऑफ द ट्रैक जाकर भी अपने कार्य का निष्पादन करने को तैयार रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ यह कह देने से आपकी समस्या या समाज की समस्या का समाधान नहीं हो सकता कि एक शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। उस निर्माण के लिए उसे वो सारे अन्य पदार्थ भी चाहिए जो निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। उनकी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, उसके हाथ में है कि वह उस प्रोडक्ट का एक निर्माण के रूप में अपनी साझेदारी पूर्ण मनोयोग के साथ निभाए।